आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में सन 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी श्रीमती पारुल तरार ने फरीदपुर एसडीएम का विधिवत चार्ज संभाल लिया। इससे पहले एसडीएम श्रीमती पारुल तरार तहसील आवला, उसके बाद तहसील बहेड़ी में एसडीएम के पद पर रह चुकी हैं। विगत दिनों उनका बहेड़ी से फरीदपुर एसडीएम के पद पर स्थानांतरण हो गया था। बृहस्पतिवार को चार्ज संभालने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता जन समस्याओं का समय रहते निराकरण करना है। तहसील के सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को मेरा यही संदेश है, जनता की समस्याओं का समय रहते निराकरण हो जाना चाहिए। शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए तैयार रहे। शासन की योजनाओं का सही तरीके से समय रहते कार्य पूरा किया जाए। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन जनता की समस्या सुनी जाएगी। तहसील के अधिवक्तागण अपनी समस्याओं को लेकर कार्य दिवस में किसी भी समय मिल सकते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए बरेली से मोहित शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। आई गयो, मेरा पहला जिला है और बरेली जिले में मैंने अपनी सेवाएं आंवला और बहेड़ी में दी हैं। ये मेरी तीसरी तहसील है और आज मैंने उप जिलाधिकारी फरीदपुर के रूप में यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। अगर मैम जैसे यहाँ आप आए हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से जनता को आप क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए आप एक महिला अधिकारी होने के साथ साथ आप कितना खरी उतरेंगी? मैसेज मेरा यही है कि जो मेरा वे ऑफ वर्किंग है वो यही है कि जो जनता दर्शन हमारा डेली प्रोसेस को 10 से 12 होता है उसको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि तहसील में वो सभी लोग आते हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, तो हम हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। हालाँकि हम लोग सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि कई बार कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।